यस, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. एक मिनट, आई थिंक इसका ऑडियो. सिमरन, कैन यू हेयर मी? एक बार चेक करो आप. ओके, तो अब आप लोग फटाफट से, पहले तो गुड बच्चों की तरह वीडियो ऑन करके बैठ सके तो बैठ जाएं. इफ यू कैन डू दैट, दैट वुड बी रियली गुड. दैट वुड बी रियली नाइस. ओके ओके ओके. जैसे अगर कोई लाइट का इशू है तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन. बच्चे, हमने दो क्लास में पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जो हमने जितना पढ़ा हुआ है, मुझे पहले तो ये पक्का कर दो, क्या वो एकदम एब्सोल्यूटली क्लियर है? क्या वो एब्सोल्यूटली क्लियर है? कल हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 1. सो इट इज इट ऑल कंप्लीटली फाइन? कुछ छूटा तो नहीं है? लेक्चर कवर करा हुआ है उतने तक तुम्हारा, ताकि मैं आगे बढ़ूं? फिर यार थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा. अगर आप ऐसे डम रहेंगे और जवाब बहुत बहुत देर बाद देंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा. सो दैट वोंट बी फाइन. ठीक है, ओके, कर लिया था कवर. ठीक है, अब आप आओ अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. प्लीज कम टू योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर वेरी क्विक. कम टू योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर वेरी क्विक. और हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जैसे ही आप निकाल लें तो आगे नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड इट्स नोट्स. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड इट्स नोट्स. जैसे कि मैंने आप लोगों को मेंशन किया था इन दी प्रीवियस क्लासेस, दैट दिस चैप्टर इज रियली अ वेरी वेरी मच वैल्यूएबल चैप्टर. एग्जाम के अंदर इसका अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड इट्स नॉट के कभी कभी, इट्स ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस. इस चैप्टर पे आपके 10, 12, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस चैप्टर अपने आप में तो ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है ही, बट इसके फॉर्मेट आप ये मान लीजिए कुछ नहीं तो बड़े वाले 3-4 चैप्टर्स में यूज हो रहे हैं. तो दिस इज रियली द बेस, इसीलिए दिस इज व्हाट वी हैव टेकन अप इन स्टार्टिंग. कैश फ्लो स्टेटमेंट वी वर डूइंग व्हाइल वी वर इन प्री इंटर सेशंस, बट आई हैड टू स्किप दैट क्योंकि फ्रेश स्टार्ट देना था. तो वो अपन आगे करके सारा कुछ कर लेंगे, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो आप हेडिंग कॉपी में डाल रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड इट्स नोट्स. और यहाँ पे फॉर्मेट हम बनाना हमारा पहले स्टार्ट कर रहे हैं, किसका? बैलेंस शीट का. फिर नोट्स पे आएंगे. हेडिंग लिखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. पर्टिकुलर्स में आप आ जाओ और लिखो पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज, जब हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है तो दैट बैलेंस शीट इज अ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. उसमें लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट करके आ जाता है. वॉट काइंड ऑफ बैलेंस शीट इट इज? इट इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. वाई इज इट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट? जस्ट अ मिनट. वाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट? बिकॉज ये ऐसे टेढ़े में है ना, ऐसे. अभी जो आप कर रहे हैं वो क्या है? शेड्यूल 3 में दी गई वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल मतलब होता है खड़ा, वर्टिकल बैलेंस शीट ऐसा. तो यहाँ आपके पास लाइबिलिटी की जगह नाम आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
इक्विटी मतलब कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे इसका जो सेकेंड होता है हिस्सा तो आ जाता है आपका एसेट्स। तो व्हाट इट इज योर वर्टिकल बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो दी है फॉर डिविजन 1। डिविजन 1 किस पे एप्लीकेबल है? जिन पे एएस एप्लीकेबल होते हैं। एब्सोल्युटली गुड। तो अपने पास आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें पहला पॉइंट नंबर 1 लिखिए शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आप बुलेट मार्क करके पहला लिखो शेयर कैपिटल, पहला शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स में। दूसरा लिखो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड पोजीशन पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, SHARE शेयर वारंट्स, WARRANTS शेयर वारंट्स। ये आपका फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकेंड आता है नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी हैव। तो फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट नंबर 3 नॉन करंट लाइबिलिटी। बेटा ध्यान में ये रखना कि जो इक्विटी है उससे रिलेटेड 2 हेड्स हैं और लाइबिलिटी से रिलेटेड 2 हेड्स हैं, और जब एसेट पे जाओगे तो उससे रिलेटेड भी 2 हेड्स हैं। सो फॉर ईच ऑफ देम देर आर टू 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 हेड्स, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो आपने क्या लिखा पहला? नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें पहला पॉइंट करके लिखो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट है तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी DTL। यू कैन राइट, इफ यू वॉन्ट टू राइट फुल फॉर्म यू मे राइट दैट ऑल्सो अभी, नहीं तो हम आगे तो डिटेल में देखेंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड देन यू हैव लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपके पास जो इनके इनिशियल अल्फाबेट्स हैं LDOL, तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं LDOL, LDOL, उसके लिए हम लिख लेते हैं LDOL। इज दैट क्लियर? नॉन करंट लाइबिलिटी में 1 2 3 4, मेरे को फटाफट से कंप्लीट करके आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैम ये स्लाइड हमारी डन है, सो दैट नोबडी मिसेस आउट एनीथिंग एंड वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेटा ओके गुड, साक्षी इज रिस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअसली, बट वेन इट कम्स टू सिमरन एंड आर्यन, आर्यन इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग वेन इट कम्स टू सिमरन, आर यू देयर? बेटा पढ़ाई अगर हम करें तो हमें इन्वॉल्व होके करना है, और अगर आप मुझे ही जवाब नहीं देंगे और मुझे ही नहीं पता पड़ेगा तो देन देयर इज नो सेंस। सो आई डू अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट सम इलेक्ट्रिसिटी इशू एट देयर एंड, सो आई एम नॉट कंपेलिंग यू टू टर्न ऑन योर वीडियो टुडे, बट एटलीस्ट सम रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, अदरवाइज इट लुक्स लाइक यू आर अननेसेसरी देयर। ठीक है, आर्यन इज डन विद इट। नेक्स्ट फॉर्मेट अपना कंटिन्यू करूं, यू हैव नेक्स्ट दैट इज फोर्थ हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज लेट इट बी, आई हैव पुट इन वेटिंग रूम। करंट लाइबिलिटीज उसमें पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इज द फर्स्ट सब हेड, देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स इज द सेकेंड हेड, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी इज द थर्ड हेड, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज द फोर्थ हेड. सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. द इनिशियल्स आर एस टी ओ एस, विच इज एस टॉस, विच इज एस टॉस. ठीक है, एस टॉस इट इज. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एस टॉस से याद रह जाएगा. अभी आप लिख लीजिए, फिर जब एक साथ समझ के करेंगे तो और बेटर होता है. उधर एलडॉल, LDOL, और ये एस टॉस, STOS. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे आके हमारा लाइबिलिटी पार्ट हो जाएगा कंप्लीट. लाइबिलिटी इज डन, वील गेट आर टोटल्स. नेक्स्ट वी हैव नंबर टू डाल के एसेट्स. नंबर टू डाल के नेक्स्ट वी हैव एसेट्स. सेकेंड नंबर पे एसेट्स, उसमें आप लिखेंगे नंबर वन. जैसे मैंने आपको भी मेंशन किया था, इक्विटी के दो हेड्स मिल रहे हैं, लाइबिलिटी के दो हेड्स मिल रहे हैं, एसेट के इवन यू विल फाइंड टू हेड्स आर गिवन. तो पहला हेड लिखोगे आप नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. द फर्स्ट हेड इज नॉन करंट एसेट्स, उसमें लिखिए आप पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स. पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स. पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स. तो फर्स्ट में हमारे पास पहला है पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और इसके अंदर चार है. तो पहला आ रहा है पीपीई, पीपीई. दूसरा आपके पास आ रहा है इनटेंजिबल एसेट्स, पहला पीपीई, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. ये कहीं ना कहीं थोड़ा पीपीई से कनेक्टेड होता है, वी विल स्टडी दैट. पीपीई से कनेक्टेड होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इनटेंजिबल से कनेक्टेड होता है इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट. इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, सो पीपीई, देन इनटेंजिबल एसेट, देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देन इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट. सो यू हैव गॉट फोर थिंग्स इन दिस हेड, पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स. किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि याद कैसे होता है, प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर रहता है. तो नॉट अ बिग डील एज सच. इट इज बिग, द क्वेश्चंस आर लेंथी, आई नो दैट, बट दे विल बी लाइक इन योर कंप्लीट ग्रिप, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट. इज दिस स्लाइड डन, इज दिस स्लाइड डन, कंप्लीटेड एंड अपडेट इफ इट इज डन. ऑल राइट, गुड. चलिए मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर. ये देखिए आप, ये जो फर्स्ट हेड था आपका नॉन करंट एसेट्स, इसमें ये पॉइंट हमारा पहला हुआ जिसके चार पॉइंट हैं. अब आपका नेक्स्ट लिखिए आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. अगला लिखिए आप डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट. डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट. वहां क्या था? डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. यहाँ क्या है? डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. एंड देन वी हैव अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स.
So in the first, which means your non-current assets, we have got five things. जो पहला है उसमें चार और बाकी सारे इंडिविजुअली चले जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे आप करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जिसमें यू हैव करंट इन्वेस्टमेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस, करंट इन्वेस्टमेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस, पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा इन्वेंटरी, इन्वेंटरी सो करंट इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इज इन्वेंटरी, अगला ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, नेक्स्ट है तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिमरन कैन यू हेयर मी नाउ? अच्छा, यू हैड सम इशू बट आई वॉज कंटिन्यूअसली आस्किंग एंड एज आई वॉज नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई, मैंने तुम्हें वेटिंग रूम में डाल दिया था, बिकॉज यू नो इफ यू नो यू नो। ठीक है, अब वॉट एवर द केस इज, वी हैव नॉट डन एनी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, वी बेसिकली डिड नोटिंग पार्ट। इफ एवरी थिंग इज ऑल फाइन देन यू बेटर लीव द स्पेस अभी मैं जब दिखाऊँ तो, और उसके आगे कंटिन्यू कर लेना। तो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, एंड अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस द इनिशियल्स, यू हैव गॉट सिक्स थिंग्स इन इट, तो यू विल राइट है सिट सो, so these are the six things which are coming in your current asset ki heading. So C is current investment, then inventory, then trade receivable, cash and cash equivalent, uske baad short term loans and advances and other current assets. Sit so, ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो यू विल हैव योर टोटल्स, यू विल हैव योर टोटल्स। फॉर्मेट अगर मैं एक बार को आपको वापस से दिखा दूं तो इट बिगैन है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड व्हिच हैज गॉट इक्विटी एंड लाइबिलिटी के तीन हेड्स, देन चौथा हेड, देन एसेट्स, एसेट्स में फर्स्ट हेड इज देयर, उसके बाद फिर सेकेंड हेड इज देयर। तो इट गेट्स कंप्लीटेड है, इफ यू गाइज आर डन विथ इट यू विल अपडेट मी इन चैट। If you want me to open up any slide, you tell me, I'll do it for you. I'll do it for you. There's no problem. क्योंकि हमें फिर इसके आगे जाना है और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझना है, दैट हाउ द थिंग्स आर कैरीड आउट। डन, ग्रेट, गुड गुड, ऑल राइट। चलिए, तो इस बात पे हम आगे जा रहे हैं। आप हेडिंग डालेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ताकि एक एक पॉइंट का नोट और किसमें क्या आएगा वो समझें और कैसे आना है एग्जैक्टली। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स इज दी हेडिंग। दो कॉलम बनाओ, एक तो हेड और यहाँ पे उसमें क्या क्या चीजें आने वाली, तो जस्ट मेक टू कॉलम्स, ताकि हम यहाँ जो भी उसका हेड है और उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, ऐसे साइड बाय साइड करके आपने सिस्टमैटिक नोट्स बनाते चले। नोट्स टू अकाउंट्स,
यहाँ पे हमारे पास पहला जा रहा है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल। इसमें आप लिखिए ऑथराइज्ड कैपिटल। हम सब बच्चे ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब जानते हैं, वी हैव हर्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज, दैट अ कंपनी कैन रेज। ये कहाँ लिखा होता है? उसके उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है, MOA के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि दिस इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल, उसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल के कितने इक्विटी शेयर्स है वो आएंगे इनटू उनकी फेस वैल्यू। तो यहाँ बाहर वैल्यू आ जाएगी, इक्विटी शेयर्स जितने भी हैं वो उनकी फेस वैल्यू, और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं उनकी संख्या इनटू उनकी फेस वैल्यू। तो यहाँ ओवरऑल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी, इक्विटी और प्रेफरेंस। उसके बाद वील हैव आर टोटल्स, तो टोटल कर देंगे। इसको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाते, कहीं नहीं दिखाते, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डलता है ताकि जो यूजर्स हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेमली योर शेयर होल्डर्स, मनी लेंडर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ देम, इफ दे वांट टू हैव एन आइडिया कि कंपनी का अटमोस्ट कितना कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है, तो दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो सिर्फ ये नोट्स में लिखा जाता है, बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होता। इसके नीचे आता है आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितने भी शेयर्स है वो इनटू फेस वैल्यू करके यहाँ आ जाता है। क्वेश्चन में ये आपको काफी कम देखने को मिलेगा, बट इन केस इट इज देयर, तो जितनी भी उनकी संख्या शेयर्स की इनटू फेस वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सीधे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है काम की चीज, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप लिखेंगे कितना पैसा अभी तक मंगवा लिया, कॉल्ड अप लिखेंगे कितना पैसा अभी तक मंगवा लिया, कॉल कर लिया। माइनस होता है बेटा इसमें से कॉल्स एंड अरियर्स, जानते हैं ये बात, आप फाउंडेशन में सुना है पढ़ा है कि कॉल्स एंड अरियर्स वो पार्ट है जो मंगवा लिया मिला नहीं, तो ये मंगवा लिया उसमें से ये मिला नहीं तो हटा दिया। प्लस एड होता है इसमें शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो यहाँ ऐड हो जाता है, बिकॉज हमने भले शेयर जब्त कर लिए, छीन लिए, लेकिन उतना पैसा तो हमारे पास है ना शेयर होल्डर का, उतना पैसा हमारे पास है, दो इट इज नाउ आर मनी, वी नीड नॉट रिटर्न इट बैक टू दैट पर्सन, बट है तो ना, तो वो यहाँ ऐड हो जाता है शेयर फॉर फ्यूचर, और यहाँ आपका टोटल आ जाता है, विच इंडिकेट्स एक तरीके से पेड अप कितना है। तो मंगाया जो नहीं मिला वो डिडक्ट, और जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है वो यहाँ ऐड होके दिस एंटायर विल कम। ये जो फिगर है ये जाता है आपके यहाँ शेयर कैपिटल के सामने, करंट ईयर का करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में। तो दिस फिगर अल्टीमेटली गोज ऑन फेस ऑफ बैलेंस शीट, दीज आर जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज, दे आर नॉट गोइंग टू कम वेयर, सो दे आर नॉट गोइंग टू कम ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, दे विल नॉट कम देयर। ओके, तो यू प्लीज नोट एंड देन इन्फॉर्म कि मैम इतना हो गया, देन देर इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू नो, सो आई लेट यू नो दैट। ओके ओके, कर लो, ठीक है, डन, ग्रेट। ये पार्ट अभी आप ना लिखें, मैं आगे आपको ये करवाऊंगी। आइए नेक्स्ट पे, नंबर टू, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वहां आपके पास जगह खाली होगी बाद में, जब मुझे सेकेंड लेयर चीज समझानी होगी तब मैं ये डलवाऊंगी। आई इधर नंबर टू, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट्स द सेकेंड थिंग दैट वी हैड इन बैलेंस शीट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बेटा जितने रिजर्व्स हैं सारे के सारे रिजर्व्स यहाँ पे आ जाएंगे, इंक्लूडिंग, नाम लिखना आप स्टार्ट करो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अगला सीआरआर, व्हाट इज सीआरआर?
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, देन योर एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वी नो दैट, एसपीआर, देन आरआर, व्हाट इज आरआर, इट इज अ रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, देन ईसॉप रिजर्व, ईसॉप मैंने आपको नाम कल भी बताया था, इट इज योर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या होता है, इसमें आप एम्प्लॉयज को कम रेट में सस्ते में शेयर्स दे देते हो, बट ये यहाँ क्यों आ रहा है क्या, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, अभी चिंता ना करो। तो इस नाम से आए अगर तो रिजर्व्स इन सरप्लस में आप डाल दीजिएगा। अगला लिख लें आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब भाई एक तरीके से रिजर्व अपन ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उस पैसे को रोक के रख लिया, ताकि अपने को कंपनी का एक्सपेंशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो, नए एसेट्स खरीदना हो, तो हमारे पास पैसे बचेगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद एसपीएल, व्हाट इज एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है या कोई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल का बैलेंस, इन दो के साइड में लिख सकते हो आप, कैन बी नेगेटिव, रिटेन्ड अर्निंग भी और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी नेगेटिव हो सकता है, मतलब लॉस, तो वो ब्रैकेट में आप यहाँ ले लोगे, और जो पॉजिटिव फिगर्स है वो सब पॉजिटिव ले लोगे, जो भी नेट निकल के आता है वो ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट टोटल हम डाल देते हैं, तो एसपीएल मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, जनरली इट्स पॉजिटिव, बट अगर लॉस अगर कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, देन इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आप अगला लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्यों भाई तुम में से कोई वहां जा रहा है क्या, क्या नाम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे तो आते हैं अपन, तुम में से कोई कॉन्फ्रेंस पे कल जा रहा है, इन केस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, इफ एनीबॉडी हैज रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड यू आर गोइंग टुमारो फॉर दैट, नो यू डोंट हैव एनी आइडिया, नो आइडिया, अच्छा अगर नहीं है आइडिया तो ठीक है, ओके आइडिया है लेकिन किया नहीं रजिस्टर, ठीक 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 ओके चल, तो यहाँ आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें आप लिखिए एग्जाम्पल में बॉन्ड्स, कंपनी ने कोई बॉन्ड्स इश्यू करी है तो वो बॉन्ड्स, उसके बाद डिबेंचर्स, कंपनी ने डिबेंचर्स अगर इश्यू करे हैं लॉन्ग टर्म पैसा उठाया तो वो आ जाएगा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, फिर लिखो आप बेटा डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी का मतलब वो पैसा मैं अभी नहीं दे रहा, वो डेफर हो गया है, डेफर हो जाने का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक साल के बाद दे पाएंगे, तो डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, देन लोन्स, लोन्स अगर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, बैंक से लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, किसी व्यक्ति से लिए, तो बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, लोन्स, ओके। इसमें आप ये लिखेंगे नोट डाल के यहीं पे नीचे, करंट मैच्योरिटीज, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पूरा लिखना करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसका ये करना है, दैट दे विल बी शोन, पहली बात तो इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दे विल बी शोन वेयर इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, they will be shown in short term borrowing and will be deducted from long term borrowing, so they will be shown in short term borrowing and will be deducted from long term borrowing, ye kya matlab hai ye hum abhi dekhne wale hain, aap likhte jaiye, they will be shown in short term borrowing and will be deducted from long term borrowing, samajhne ki baat ye hai, consider a case ke aapka debenture yahan issue hue the 1st April 2018 aur ye
कब रिडेम्पशन करना था, 31 मई 2024। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक मोटा मोटा में दिख रहा है 6 साल के आसपास का सिनेरियो बैठ रहा है, तो लॉन्ग टर्म तो है। तो ये आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखा के चलोगे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। लेकिन व्हेन वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 2025, 2024 है तो चलो 24 ही जाने दो, 31 मार्च 2024, और कब पे करना है, 31 मई 2024। तो आप यहाँ से यहाँ देखिए 2 ही महीने बच रहा है। तो इस वक्त जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो अब लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाओगे इसको, अब आप शिफ्ट कर दोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हटा दोगे। सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिकॉज ये करंट मेच्योरिटी है। करंट मेच्योरिटी मतलब अब उसकी डेट आ गई, 1 साल के अंदर अंदर उसका पेमेंट होना है। तो दिस विल बी शोन इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड नो मोर इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदरवाइज इतने सालों में 4 साल थे, 5 साल थे, 6 साल थे, 3 साल थे, 2 साल थे, इन सब केसेस में आप उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करके चलते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करके चलते हैं। ये आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा कि अब लॉन्ग टर्म नहीं, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, अब लॉन्ग टर्म में नहीं, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे। ओके फाइन ऑल राइट। आप लोग ये वाला पार्ट अभी ना लिखें, इसको मैं आपको अलग से लिखवाऊंगी जैसे मुझे पीछे का लिखवाना है, बिकॉज ये कुछ अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड चीज, और ये चीज आपको ऑडिट में भी हेल्प करेगी, इसलिए वी विल डू दैट सेपरेटली। इफ दिस मच इज डन, अपडेट करो, यस मैम अपडेट करो, यस मैम ओके ऑल राइट। आ जाओ नेक्स्ट नंबर 4, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट, दोनों नहीं होते, या तो लाइबिलिटी होती है या एसेट होता है, दोनों एक साथ नहीं होते, या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी या डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। सामने लिखो आप, कैलकुलेटेड एज पर AS 22। AS 22 एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इस पर बेस्ड है, और हमें कैसे कैलकुलेशन करना है वो वहां समझ आता है। तो कैलकुलेटेड एज पर AS 22, ये बात पहली आप लिख दो, कैलकुलेटेड एज पर AS 22। और ये होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, नाउ यू हैव रीच दैट स्टेज के यू कैन लाइक अंडरस्टैंड दिस। कहानी ऐसी है, कैसी कहानी है मैम, अभी आप लोग को इनकम टैक्स पढ़ना है, बट इफ आई टेल यू द बेसिक पार्ट ऑफ इट, तो आप ऐसा माने कि अपने पास अपना PNL होता है, उस PNL से कुछ प्रॉफिट निकल रहा होता है, तो क्या इस प्रॉफिट पे टैक्स लग जाता है? तो द आंसर इज नहीं, इस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स वाले अपना खुद का कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर बताते हैं कि ये चीज को इनकम मानोगे, ये चीज को खर्चा मानोगे, इस चीज को खर्चा नहीं मानोगे, इस चीज को इनकम नहीं मानोगे, दे हैव देयर ओन प्रोसीजर। तो उससे जो प्रॉफिट निकलता है टैक्स आपका उस पर लगता है, टैक्स आपका उस पर लगता है। तो हो सकता है कि जो आपके यहाँ प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं बुक्स में, सपोजिंग वो है 5,000, ऐसी बस एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, और जो आपका ये इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रहा है ये प्रॉफिट है आपके 8,000, और टैक्स रेट है आपका 30%। तो 8,000 का 30% कितना हो गया, 240, और 5,000 का 30% कितना होगा, ये होगा आपका 150। तो आप अभी टैक्स आपकी बुक्स के हिसाब से जो टैक्स जाना चाहिए था वो 150 था, दैट वॉज 150, लेकिन अभी जा रहा है 240। बट होगा ऐसा, होगा ऐसा कि जो खर्चे इन्होंने अभी हमें अलाउ नहीं करे, मतलब जो बेनिफिट्स अभी नहीं दिए, वो बेनिफिट्स हमें पता है कहीं ना कहीं कल को हमें मिल जाएंगे। तो आज तो हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमें इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल जाएगा, वी आर पेइंग एक्स्ट्रा अभी, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, कल को हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये जो 90 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट बिकम्स योर डेफर्ड टैक्स एसेट, इट बिकम्स योर डेफर्ड टैक्स एसेट। ये आपका 1 साल के बियॉन्ड, 1 साल के बाद ऐसा होगा कि कहीं पे किसी वर्ष में आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो AS 22 में देखोगे, बट दिस विल बी कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स एसेट। इफ आई गिव यू डिफरेंट एग्जाम्पल, मानो ये 350 निकल रहा है किताबों में, और हमें इनकम टैक्स के हिसाब से 240 देना पड़ रहा है,
आपको समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम 110 रुपए अभी कम दे रहे हैं, आने वाले साल में वी विल हैव टू पे मोर एंड देन इट बिकम्स योर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. वॉट इज इट? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है ये, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं रह जाएगा. आई होप आपको ये मेरी बात समझ आ गई. आप चाहें तो पेंसिल अगर हो तो उससे करके या कोई दूसरे शेड के पेन से साइड में एग्जाम्पल को नोट कर लो, साइड में एग्जाम्पल को नोट कर लो. इधर आपका डेफर्ड टैक्स एसेट खड़ा हो रहा है 90 से, 90 से डेफर्ड टैक्स एसेट. डू दिस फास्ट फास्ट. नोट दिस फटाफट से एंड इफ यू आर क्लियर विद इट डू टेल मी कि हाँ मैम क्लियर है. डाउट हो तो पूछ लेना. डन. ठीक है, अब आ जाए आप नेक्स्ट पे. तो आप नंबर 5 लिखो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में चार चीजें थी, LDOL. पहला आपके पास आ गया लॉन्ग टर्म बॉरो, LDD से क्या आ गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. फिर LDO, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. सो वी आर ऑन दी थर्ड वन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. लिखिए, पेबल पेबल पेबल्स या ट्रेड पेबल्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, पेबल्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स. इफ यू अंडरस्टैंड, क्रेडिटर्स बोरोइंग नहीं होते. क्रेडिटर से कोई पैसा आपने उधार नहीं लिया कि पैसे दे दो, सामान लिया हुआ है, तो ये इस कैटेगरी में आएंगे, पेबल्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर. हमने कहा हम आपको 15 महीने में पैसे देंगे, हम आपको 2 साल में पैसे देंगे, हम आपको 18 महीने में पैसे देंगे अकॉर्डिंगली. तो पेबल्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर लाइक क्रेडिटर फॉर मशीन, लाइक क्रेडिटर फॉर मशीन, लाइक क्रेडिटर फॉर मशीन. इज दैट डन? पेबल्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर लाइक क्रेडिटर्स फॉर मशीन. नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 6, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. लॉन्ग टर्म प्रोविजन. अच्छा बच्चे, मुझे तुम लोग एक बात कंफर्म करो, आर्यन, तो आई रिमेम्बर दैट यू हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ प्री इंटर. वॉट अबाउट दी अदर्स? वॉट अबाउट अदर्स? तुम लोग ने प्री इंटर क्लास करी हुई है या कुछ करी है, कुछ नहीं करी, क्या अपडेट रही है, मेरे को वो बता दो. बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे आने मतलब मंडे ऑनवर्ड्स आई नीड टू बिगिन विथ कॉस्ट ऑल्सो एंड आई नीड टू बिगिन विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो. तो कॉस्ट के लिए वी हैव डन सर्टन, आई मीन बेस वॉज ऑलरेडी सेट, सम बेस इज ऑलरेडी प्रिपेयर. इसीलिए आई वॉन्ट टू नो कि वॉट इज दी पोजिशन. कुछ करी थी कॉस्ट की, तो यू डू वन थिंग, आज कल परसों, आज कल परसों 3 दिन में कॉस्ट वाला जो पार्ट जितना हमारा हो गया था वो पूरा कर लेना, पूरा कर लेना. और मुझे अपडेट कर देना कि मैम मैंने इस लेक्चर नंबर तक कर लिया है. बिकॉज अगर एक आध दो कोई लेक्चर ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ शेयर नहीं है या कुछ, तो मैं चेक करवा दूंगी, ताकि हम कॉस्ट मंडे से जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो पूरा हो जाए तुम्हारा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिल्कुल ही बेसिक स्टार्ट होना है एंड इवन अदर सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. ओके, सो देयरफॉर आई जस्ट वांटेड अ कंफर्मेशन. आप मुझे करने के बाद संडे तक अपडेट कर देना कि मैम डन है, ताकि आप बिल्कुल ट्रैक पे रहें. ठीक है, आ जाओ. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें हमने लिखा प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अब जब हम बात करते हैं शब्द प्रोविजन की, जब हम बात करते हैं शब्द प्रोविजन की, तो दैट मीन्स अमाउंट
हमने कोई लोन पे नहीं लिया था, सो देयर वाज नो लोन, कोई उधार पैसा नहीं लिया था, बट हमें कल को पैसा देना है, और जो हमें पैसा देना है वी डोंट नो एक्यूरेटली एग्जैक्टली कि कितना देना है, लेकिन एक हमें अंदाजा है कि इसके आसपास पैसा देना होगा। तो प्रोविजन लॉन्ग टर्म नेचर का यही रिप्रेजेंट करता है कि एक साल के बाद आपको किसको पे करना है, लेकिन एग्जैक्टली कितना वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट। मैं बताऊंगी सिमरन, अभी आई डोंट वॉन्ट कि किसी का भी कोई रिजल्ट अपन ऐसे पब्लिकली डिस्कस करें। आई टेल एवरी पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ इशूज राइट नाउ, और रिजल्ट की वजह से बहुत लोग हिल गए हैं, तो इसलिए अपन सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दें, लेट एवरीबडी गियर अप एंड गेट अप अगेन, है ना। तो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ये क्या होते हैं प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब लोग रिटायर होके जाएंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहते हैं, रिटायर होके जब जाएंगे उस टाइम जो हमें उनको लमसम पैसा देना है, तो उसकी क्लैरिटी नहीं होती। एक अप्रोक्स होता है, एक अंदाजा होता है कि कितने साल बाद जाएंगे, तब उनकी तनख्वाह क्या होगी, उसका कितना परसेंट देना है, सो इट्स अ प्रोविजन। इसको आप पढ़ते हो AS 15 में, इसके कैलकुलेशन को AS 15 में वी विल स्टडी दैट, ठीक है। अगले पे आओ आप, शॉर्ट टर्म बोरो। अब हमारे लॉन्ग टर्म चालू हो गए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आर करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आता है STOS, एस्टोस। तो पहला एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग सिंपली बताता है लोन लेना, पैसे लेना शॉर्ट टर्म के लिए, जिसे हम 12 महीने के अंदर अंदर लौटा देंगे फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। तो पहला लिखो आप बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वेरी कॉमन, बैंक ओडी, उधर से पैसे लेते हैं ताकि बिजनेस कैरी आउट कर पाए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज द फर्स्ट वन। उसके बाद दूसरा लिखो आप डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स आर द सेकेंड वन, पहला बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा आ रहा है आपका डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब किसने डिपॉजिट किया, ये बिजनेस है, कंपनी है, किसी जनता के लोगों ने, सदस्यों ने क्या किया, एक साल के अंदर के वक्त के लिए पैसा जमा कर दिया है, जो हमें उनको एक साल के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। तो जैसे बैंक में लोग डिपॉजिट करते हैं, ऐसे कंपनी में भी कर सकते हैं, कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है तो, और एक साल के अंदर अंदर लौटाना है, तो इट इज योर शॉर्ट टर्म बोरो। अगला लोन रीपेबल ऑन डिमांड, किसी से लोन लिया तो है, लेकिन जैसे ही अगला मांगेगा वापस करना पड़ेगा, लोन लिया है किसी से और जैसे ही अगला मांग लेगा वापस करना पड़ेगा, तो लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। अगला लोन रीपेबल टू रिलेटेड पार्टीज, लोन रीपेबल टू रिलेटेड पार्टीज, लोन रीपेबल टू रिलेटेड पार्टीज। बेटा रिलेटेड पार्टीज के लिए भी हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वी विल स्टडी ऑल द डिटेल्स इन AS 18, बट एज ऑफ नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, तो जैसे कंपनी है तो उसकी अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो रिलेटेड पार्टी है, अगर उसकी कोई सब्सिडियरी है तो वो रिलेटेड पार्टी है, अगर उसकी कोई एसोसिएट कंपनी है तो वो रिलेटेड पार्टी है, उसके डायरेक्टर्स हुए तो रिलेटेड पार्टी है। तो रिलेटेड पार्टीज से अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो जनरली शॉर्ट टर्म होता है। इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। नेक्स्ट अदर लोन, अदर लोन, और भी कोई लोन जिनको हमें एक साल के अंदर लौटाना है, अदर लोन। और फिर लिखो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पीछे पड़ा था और ये बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये यही पार्ट है। पैसा लिया था लंबे टाइम के लिए, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, लेकिन अब जब हम बैलेंस शीट डेट पे खड़े हैं तो हाँ, इस डेट के एक साल के अंदर अंदर हमें उनको पैसा लौटाना है, ड्यू डेट आ गई है, तो अब वो लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाएंगे, उसको शिफ्ट करके शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाया जाएगा, दैट विल बी शोन इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आइए, नंबर 8, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, वी डू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेड पेबल्स आर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो लिख दो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इनको पैसा हमें जनरली एक साल के अंदर ही देना होता है, सो दे आर योर करंट लाइबिलिटीज, ये अभी मत लिखना, ये मैं बाद में लिख पाऊंगी। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। नंबर 9 लिखो आप अदर करंट लाइबिलिटी,
अदर करंट लाइबिलिटी, ये टफ नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है हेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में आपको इस हेड से रिलेटेड मिलने वाली है. अदर करंट लाइबिलिटी, पहली बात हमने पढ़ा, अगर लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, और अगर क्रेडिटर या बिल्स पेबल है तो ट्रेड पेबल में आएगा. लेकिन अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, आपने किसी से लोन नहीं लिया लेकिन आपको स्टिल एक साल के अंदर अंदर पैसा देना है, लोन नहीं लिया लेकिन स्टिल एक साल के अंदर अंदर आपको पैसा देना है, तो ये क्या हो जाती है आपकी अदर करंट लाइबिलिटी. एग्जाम्पल लिखो, अक्रूड इंटरेस्ट. अक्रूड इंटरेस्ट, हमें किसी को इंटरेस्ट पे करना है एक साल के अंदर अंदर, अक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसा मानो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, मतलब रिसीवेबल नहीं है पेबल है, लाइबिलिटी पे है. एरो मार्क करके लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर डिबेंचर. अगला लिखो आप कोई दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, या मैं कहूँ एम्प्लॉयज की सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज, एनी एनी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग वाईफाई चार्जेस, आउटस्टैंडिंग कैरियज, वट एवर. उसके बाद एडवांस इनकम. एडवांस इनकम समझते हैं आप, किसी से पैसे ले लिए, सर्विस देना बाकी, पैसे ले लिए सर्विस देना बाकी, एडवांस इनकम. एडवांस इनकम. नेक्स्ट है हमारे पास अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड. अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसका मतलब वापस ये आता है कि डिविडेंड पेबल है, किसी के डिविडेंड देना रह गए, लोग या तो मिल नहीं पा रहे या भी हमने दे नहीं पाए हैं, जो भी है आउटस्टैंडिंग है, देना बचा है डिविडेंड. अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड. आप इसमें ये वाला मार्क कर लो इम्पोर्टेंट, इसके बाद वाला कर लो एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड. एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड, यू ऑल नो दैट शेयर्स टॉपिक हमने पढ़ा है कि जब हम शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो कभी ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन केस में हम अगर रिफंड करना प्लान कर रहे हैं, रिफंड करना प्लान कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर ही हम रिफंड कर देंगे, तो ये आपकी अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड. दिस इज नॉट अ बोरोइंग, कोई हमने बोरो नहीं किया था, वो तो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ गया, वो लौटाना है, तो इट इज पार्ट ऑफ योर अदर करंट लाइबिलिटी. अदर करंट लाइबिलिटी, या मैं कहूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट पूरी ही नहीं हो पाई, 90% लिमिट ही पूरा नहीं हो पाए, ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल हैपन, ऐसी सिचुएशन में भी रिफंड करना पड़ता है, तो भी एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड इस हेड में दिखेगा, एक साल के अंदर अंदर रिफंड हो जाना है. नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लिखा आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन. आप मुझे प्रोविजन का, सब बच्चों से मुझे फटाफट मीनिंग चाहिए, मुझे ये बताओ प्रोविजन का मतलब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. आर वी क्लियर दैट हाउ मच अमाउंट नीड्स टू बी पेड, और हैव वी बोरोड फ्रॉम समबडी, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर करो. आर वी क्लियर दैट हाउ मच अमाउंट नीड्स टू बी पेड, एंड दूसरा हैव वी बोरोड इट फ्रॉम समबडी, बोरो किया है क्या, भेजो आंसर मुझे. यस यस क्विक, क्या प्रोविजन का मतलब मैंने आपको बताया, प्रोविजन जो बाद में यूज करने के लिए काम आएगा वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये प्रोविजन रिप्रेजेंट करता है कि हमने किसी से लोन लिया, हाँ या ना, बस इतना बता दो हाँ या ना, क्या हमने किसी से लोन लिया ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है. आंसर इज नो, यस करेक्ट, कि लोन नहीं लिया. क्या हमें इसमें अमाउंट पे क्लैरिटी होती है कि कितना अमाउंट देना है, डू वी हैव क्लैरिटी, नो वी डोंट हैव क्लैरिटी अगेन, तो लैक्स क्लैरिटी एंड वी हैव नॉट टेकन लोन टू एनीबडी, बट यस वी हैव टू गिव,
देना तो है कल को, वी नो दैट। तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर देना है, 12, क्या बोला मैंने, 12 महीने के अंदर अंदर देना है, वी नीड टू पे। बट बात ये निकल के आती है कि लोन वो नहीं लिया, तो इस हेड में दिखाएंगे। एग्जाम्पल लिखो इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस लिख दो एडवांस टैक्स। टेक्निकली बेहतर होता है कि इतना हमें देना है टैक्स और इतना हम एडवांस टैक्स दे चुके, तो दोनों को नेट ऑफ करके दिखा दें। कभी कभी अलग अलग भी दिखा दिया जाता है, एज एन एसेट अलग जितना एडवांस टैक्स दे दिया, और जितना टोटल देना है प्रोविजन फॉर टैक्स वो अलग। बट बेटर प्रैक्टिस होती है कि नेट ऑफ करके दिखा दें कि इतना देना है टैक्स, जिसमें से इतना दे चुका तो इतना टैक्स देना बचा है। तो इसका मेन प्राइम एग्जाम्पल यही निकल के आता है। ओके, दिस इज द मेन एग्जाम्पल, द प्राइम एग्जाम्पल। इफ यू आर ऑल डन टिल हेयर, तो हम इतने पार्ट ऑफ बैलेंस शीट को अब पक्की करने जा रहे हैं। एक राउंड एक लेयर समझ लिया हमने, अब हम इसको पक्की करने जा रहे हैं, एकदम क्लियर करना है हमें। करें साथ। ओके, तो सबसे पहली बात, मुझे आप लोग फटाफट से लिख के भेजते जाएंगे, हमने क्या बात डिस्कस करी है, हमारी बैलेंस शीट के कितने हिस्से होने वाले हैं, हमारी बैलेंस शीट के कितने हिस्से होने वाले हैं, हमारी बैलेंस शीट के कितने पार्ट्स होने वाले हैं। तो दो पार्ट्स, वेरी गुड। व्हाट आर द टू पार्ट्स? पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरा क्या पार्ट? एसेट्स। लिखना नहीं है ये बातें, हम आपको नीड नॉट राइट। इसमें अगर हम बोलें तो एक्चुअली चार पार्ट्स हैं, दो इक्विटी से रिलेटेड, दो लाइबिलिटी से। एसेट में बोलें तो दो पार्ट्स हैं। अब अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमने पढ़ लिया क्या, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा भी हमने नहीं पढ़ा। लाइबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव गॉट नॉन करंट लाइबिलिटी एंड वी हैव करंट लाइबिलिटी, तो ये और ये। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या चीजें आ रही हैं, फटाफट बोलिए आप। एसटॉस, एसटॉस स्टैंड्स फॉर व्हाट? व्हाट इज दिस फर्स्ट एस स्टैंडिंग फॉर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। व्हाट इज दिस फर्स्ट एस स्टैंडिंग फॉर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। व्हाट इज दिस टी स्टैंडिंग फॉर? ट्रेड पेबल्स। व्हाट इज दिस ओ स्टैंडिंग फॉर? अभी पढ़ा हमने, अदर। अदर ये याद हो अगर आपको, तो वी हैव जस्ट स्टडीड दिस, अदर करंट लाइबिलिटी विच हैज गॉट मल्टीपल एग्जाम्पल्स। एंड व्हाट इज दिस लास्ट एस स्टैंडिंग फॉर? इट इज स्टैंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन करंट लाइबिलिटी, इट इज एल डॉल, एल डॉल। सो व्हाट इज दिस एल स्टैंडिंग फॉर? व्हाट इज दिस एल स्टैंडिंग फॉर? इसमें भी पहला बोरोइंग है, इसमें भी पहला बोरोइंग है। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दिस डी स्टैंडिंग फॉर व्हाट? वो अलग सा नाम था, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। दिस ओ एंड दिस ओ, अगेन दे आर स्टैंडिंग फॉर द सेम पर्पस। यहाँ पे एक ओ देखेंगे आप, तो इट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसमें आप ओ देखेंगे तो आपका आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ करंट नाम यूज हो रहा होता है, यहाँ लॉन्ग टर्म यूज हो रहा होता है, बट है तो ये अदर अदर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, एंड देन दिस एल एंड दिस एस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो मेरा बच्चा, पहली वाली दोनों बोरोइंग बोरोइंग, आखिरी वाली दोनों प्रोविजन प्रोविजन, ये दोनों अदर अदर, बस इसमें लॉन्ग टर्म नाम आएगा और इसमें करंट लाइबिलिटी नाम आएगा। डी स्टैंडिंग फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, टी स्टैंडिंग फॉर व्हाट? ट्रेड पेबल्स। क्या तुम्हें ये बात याद हो गई है? कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आज लेट ज्वाइन करने की उन्होंने कोशिश जहमत करी और मैंने उन बच्चों को एडमिट नहीं करा, दे आर ऑल इन वेटिंग रूम। बहुत देर वेट करने के बाद कुछ लोग चले गए और मैसेज किया है अपॉलॉजी का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट मैसेज किया है कि प्लीज एडमिट कर लीजिए, आई कैन नॉट रिप्लाई इन द क्लास टाइम, और कुछ वेटिंग रूम में ही वेट कर रहे हैं। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी क्लास टाइम पे ही स्टार्ट होनी है, 5 मिनट का आसपास हम वेट कर लें चल जाएगा, और टाइम पे ही एंड होती है। तो हमें क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चलना है, चाहे मेरे से 2 बच्चा पढ़े, चाहे मेरे से 20 बच्चा पढ़े, और चाहे मैंने बच्चे 200 पढ़ाए हों एक बार में, दैट डजेंट क्रिएट एनी डिफरेंस फॉर मी, दैट डजेंट क्रिएट एनी डिफरेंस फॉर मी। फॉर मी द क्लास नीड्स टू बी कंडक्टेड इन फुल स्पिरिट, एवरी थिंग नीड्स टू बी कवर्ड इन क्लास, एंड इट शुड बेनिफिट दोज हु आर डिसिप्लिन्ड एंड पंचुअल, दोज हु आर एक्चुअली सीरियस, तो दे शुड गेट बेनिफिटेड। सो दैट्स द पर्पस बिकॉज ऑफ विच
मेनी आर नॉट एबल टू एंटर द क्लास एंड दैट्स फाइन कम्प्लीटली, कुछ नहीं होता। चलिए आप लोग मुझे जितने मौजूद हैं फटाफट एक्टिवली जवाब देते जाएंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें कितने पार्ट्स हैं? और व्हेन आई आस्क अबाउट एसेट्स, इसमें कितने पार्ट्स हैं? बताओ फटाफट, पहले वाले में इक्विटी एंड लाइबिलिटी हाउ मेनी पार्ट्स? इक्विटी एंड लाइबिलिटी हाउ मेनी पार्ट्स? मैम यहाँ दो और यहाँ दो, मतलब टोटल चार ही हूँ। एसेट्स हाउ मेनी पार्ट्स? दो पार्ट्स। वेरी गुड, बताइए मुझे आप इक्विटी में पहला नाम क्या आ रहा है? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा येट टू बी डिस्कस्ड। तीसरा बोलो, वॉट इज थर्ड? यस, नॉन करंट लाइबिलिटी। एंड वॉट इज फोर्थ? करंट लाइबिलिटी। ग्रेट, नॉन करंट लाइबिलिटी इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी एंड करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इन हाउ मेनी? नॉन करंट इन फोर, करंट ऑल्सो इन फोर। ओके ग्रेट, नॉन करंट में क्या शॉर्ट फॉर्म क्या बताया मैंने? नॉन करंट के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया? इट इज एल डॉल। वेरी गुड, एल डॉल। एंड वॉट इज फॉर करंट? वॉट इज फॉर करंट? इट इज एस्टॉस। गुड, एस्टॉस। कैन यू गाइज फटाफट से टेल मी वॉट डज दिस एस स्टैंड फॉर? वॉट डज दिस एस स्टैंड फॉर? वॉट डज दिस एस स्टैंड फॉर? एस नहीं, सॉरी सॉरी, वॉट डज दिस ओ ओ ओ ओ स्टैंड फॉर? इट स्टैंड फॉर, यस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। वेरी गुड, मे आई नो दैट वॉट डज दिस एस स्टैंड फॉर? द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर वॉट? यस, इट स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ग्रेट, मुझे बताइए वॉट डज दिस डी स्टैंड फॉर? डी स्टैंड फॉर वॉट? दिस डी स्टैंडिंग फॉर वॉट? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। वेरी वेरी गुड, दिमाग में बैठ गई ये बात। गुड, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओके, व्हाट डज दिस लास्ट एस स्टैंड फॉर? व्हाट डज दिस लास्ट एस स्टैंड फॉर? ये किसके लिए खड़ा हो रहा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट बोलती हूँ, आप मुझे ढूंढ के बताना सब में से वो किस में आना चाहिए। मैं आपसे कहूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बताओ तुम्हें क्या लग रहा है किस हेड और किस सब हेड में जाना चाहिए? क्रेडिटर्स, वेरी सिंपल आई एम आस्किंग, क्रेडिटर्स किस हेड में या किस सब हेड में जाना चाहिए? ऑल राइट, सो इट शुड गो इन करंट लाइबिलिटी एंड इन करंट लाइबिलिटी इट शुड गो इन विच सब हेड? इन विच सब हेड इट शुड गो? यस, इट शुड गो इन ट्रेड पेबल्स मैम। इट शुड गो इन ट्रेड पेबल्स। एब्सोल्यूटली गुड, मुझे बताइए आप, हम कहें अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है, वे दिस शुड गो विच हेड एंड विच सब हेड? प्रोविजन फॉर टैक्स विच हेड एंड विच सब हेड? प्रोविजन फॉर टैक्स विच हेड एंड विच सब हेड? देखें, सो इट शुड गो इन करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, एंड व्हाट सब हेड? व्हाट सब हेड? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, सही जवाब। मुझे ये बताइए आप, हमें एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के समय पैसा देना है, एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा तब उसको हम कुछ अमाउंट पे करेंगे ग्रेचुटी का या व्हाटएवर, ये कहाँ दिखना चाहिए? विच हेड विच सब हेड? जब वो रिटायर करेगा, पहली बात तो रिटायर अभी नहीं कर रहा होता, लॉन्ग टर्म में रिटायर कर रहा होता है, तो किस में आना चाहिए? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आउट ऑफ दीज फोर किस में जाना चाहिए, देख के बताओ मुझे। वेट कर रही हूँ मैं, लेट्स सी हु ऑल कैन आंसर इट करेक्टली।
यस, इट शुड कम इन नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी. ये दिमाग में था या पन्ना पलट के चीटिंग करके जवाब दे रहे हैं? दिमाग में था या पन्ना पलट के चीटिंग से जवाब आ रहा है? हाँ, खुद से दिमाग लगाना पड़ना, दिमाग लगा के पढ़ रहा है. ओहो, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. चल अब बच्चे, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें मैं कुछ नोट करने को दे रही हूँ आगे का. क्या तुम वो नोट करके लेके आओगे? क्या तुम वो नोट करके लेके आओगे? अंदर से आ रहा है जवाब, अंदर से आया है. इसका स्क्रीनशॉट लो, ये जो पर्पल से लिखा हुआ है इसको लिख लेना. यू मे राइट इट. अब ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका. इसके बाद इधर आ जाओ. ये ना लिखना, ये भी मत लिखना, देयर इज नो नीड. अभी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो. मेरी राइटिंग तो आपको समझ आती है, तो यू विल बी एबल टू राइट. दो स्लाइड्स दी है मैंने अभी, ये भी ले लो. ये पर्पल जो है ये नहीं लिखना है अभी. इसका भी टेक स्क्रीनशॉट, टेक इट स्क्रीनशॉट. डन. चलिए, एंड दिस इज द फोर्थ वन. तो ये ना लिखें चल जाएगा. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो दिस इज फोर्थ, चौथी. ठीक है, और ये छोटू सा लास्ट है. तो आपकी टोटल 5 स्लाइड हो गई. ये आपको नोट करके लेके आनी है. दिस यू नीड टू डू. वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास. जो हम पढ़ लिया ना अभी, हमने जो लिख लिया अभी, पूरा नहीं समझा है वो. कुछ पोर्शन समझ चुके हो, तो उसका बैलेंस पोर्शन समझेंगे. इसको समझेंगे क्लास में ही, आपको पूरा याद हो जाएगा. उसके अलावा फिर हम क्वेश्चंस के लिए प्रोसीड करेंगे. समझ में आ गया बात? तो आज की क्लास मैं तुम्हारी यहीं एंड कर रही हूँ. बट आपसे गुजारिश है, अगर आप सीरियस हैं पढ़ने को लेकर, तो सारी चीजें लिख के रखें और एकदम फुली मुझसे आप कनेक्टेड चलें. जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर ही दिया था, द क्लासेस विल बी ऑन जूम. मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन विद द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. क्या बोल रहे बेटा? नेक्स्ट क्लास मंडे होगी मोस्ट प्रोबेबली. आई ट्राई माई बेस्ट के कल क्लास रहे, बट इन केस नहीं रहती तो आई अपडेट इट टू यू, और इवन यू कैन आस्क अस, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी बिगनिंग विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. तो आपके क्लास का ड्यूरेशन फुल हो जाएगा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. ठीक है? ओके, अगर सेलिब्रेशन किसी ने क्लियर किया और रह गया हो, तो अभी थोड़ा बचा हुआ सेलिब्रेशन और निपटा ले. ऑल राइट, चलो, सी यू, टाटा, बाय बाय. नोटबुक कितनी खरीदनी है? फुल जोश में है, मैं बता दूं फिर? अगर नोटबुक के लिए फुल जोश में, सही बात है ना, या शॉपिंग हो जाएगी? कह रहा मैम बीच में समय है तो शॉपिंग हो जाएगी. नोटबुक ऐसी है कि तुम्हारे को एडवांस अकाउंट्स के लिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए लगेंगे 200 पेज वाला एक रजिस्टर, 400 पेज वाले दो रजिस्टर. कॉस्ट में भी सेम ऐसा ही है, एफएम में भी सेम ऐसा ही है. तो इससे तुम्हें ये समझ आ जाना चाहिए, थिक 2, 4, 6 और थिन 1, 2, 3. इसके अलावा जब मैं बोलूं आपसे ऑडिट, तो ऑडिट के लिए आपके नियरली 200 पेज का एक रजिस्टर लगेगा. फिर जब बाद में एक और चाहिए होगा, तो वी लुक इन टू इट. लॉ के लिए भी आपके 200 पेज का एक रजिस्टर लगेगा. आपका डीटी के लिए 200 पेज का अप्रोक्स एक रजिस्टर, और जीएसटी के लिए एक रजिस्टर. एंड अदर देन दिस, आपका क्या आ रहा है निकल के? एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 200 पेज का एक रजिस्टर. ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने? थिक वाले 3 रजिस्टर्स चाहिए, थिक वाले 3, और बाकी फिर हर सब्जेक्ट का एक 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 रजिस्टर. यू कैन हैव लाइक इसकी इसकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक 400 पेज का रजिस्टर. समझ आ गई मेरी बात? मैंने क्या बोली? इतना तुम घर के रख सकते हो. तो थिक वाले 4 ले लेना, ताकि टैक्स की रिटर्न प्रैक्टिस के लिए भी हो जाए, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए 200 200 वाले पेजेस वाले रजिस्टर एक 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 चल जाएंगे. ठीक है, तो ये तुम्हारी लिस्ट का फोटो खींच लो, ताकि भूलो नहीं. इसके अलावा क्या ले लेना? पेन्स ले लेना अलग अलग शेड के. यू कैन टेक वो स्टिकी नोट्स, क्योंकि बीच बीच में कहीं वो काम आ जाते हैं, तो यू टेक देम. टेक हाइलाइटर्स, एंड देन डेफिनेटली दिमाग के साथ शुरू हो जाएंगे मंडे से. उसको साथ में रखना है अपने, ठीक है? उसको साथ में रखना जरूरी, नहीं तो पूरी स्टेशनरी तैयार, और यहाँ पे गोल.
से कुछ नहीं फिर फायदा। ठीक है, चलो भाई जान, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।